माँ दुर्गा से क्षमा याचना का उत्तम स्तोत्र जो शंकराचार्य जी ने स्वयं रचित किया था, जिसके पाठ से या श्रवण से जाने अनजाने में हुए सभी अपराध देवी माँ दुर्गा क्षमा करती है। ज्ञान सागर बाई विजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो सुनिए देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। हे माता, मैं तुम्हारा मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति कथा, मुद्रा तथा विलाप कुछ भी नहीं जानता, परंतु सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाला आपका अनुसरण करना ही जानता हूँ। सबका उद्धार करने वाली हे करुणामयी माता, तुम्हारी पूजा की विधि न जानने के कारण धन के अभाव में आलस्य से और उन विधियों को अच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरणों की सेवा करने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो, क्योंकि पुत तो कुपुत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। भूमंडल में तुम्हारे सरल पुत्र अनेकों हैं, पर उनमें एक मैं विरला ही बड़ा चंचल हूँ। तो भी हे शिवे, मुझे त्याग देना तुम्हें उचित नहीं, क्योंकि पुत तो कपुत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की अथवा तुम्हारे लिए प्रचुर धन भी समर्पण नहीं किया, तो भी मेरे ऊपर यदि तुम ऐसा अनुपम स्नेह रखती हो तो यह सच ही है कि पुत तो कपुत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। हे गणेश जननी, मैंने अपनी 85 वर्ष से अधिक आयु बीत जाने पर विविध विधियों द्वारा पूजा करने से घबराकर सब देवों को छोड़ दिया है। यदि इस समय तुम्हारी कृपा न हो तो मैं निराधार होकर किसकी शरण में जाऊं? हे माता अपर्णे, यदि तुम्हारे मंत्राक्षरों के कान में पड़ते ही चांडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त बड़ा भारी वक्ता बन जाता है और महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता है, तो उसके जप का अनुष्ठान करने पर जपने से जो फल होता है उसे कौन जान सकता है? जो चीता का भस्म लगाए हैं, विष खाते हैं, नंगे रहते हैं, जटाजुट बांधे हैं, गले में सर्पमाल पहने हैं, हाथ में खप्पर लिए हैं, पशुपति और भूतों के स्वामी हैं, ऐसे शिवजी ने भी जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी प्राप्त की है, वह हे भवानी तुम्हारे साथ विवाह होने का ही फल है। हे चंद्रमुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुख की भी अभिलाषा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। हे श्यामे, मैंने अनेकों उपचारों से तुम्हारी सेवा नहीं की, अनिष्ट चिंतन में तत्पर अपने वचनों से मैंने क्या नहीं किया, फिर भी मुझ अनाथ पर यदि तुम कुछ कृपा रखती हो तो यह तुम्हें बहुत ही उचित है, क्योंकि तुम मेरी माता हो। हे दुर्गे, हे दया सागर महेश्वरी, जब मैं किसी विपत्ति में पड़ता हूँ तो तुम्हारा ही स्मरण करता हूँ, इसे तुम मेरी दुष्टता मत समझना, क्योंकि भूखे प्यासे बालक अपनी माता को ही याद किया करते हैं। हे जगजननी, मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि अनेक अपराधों से युक्त पुत्र को भी माता त्याग नहीं देती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है
और तुम्हारे समान कोई पाप नाश करने वाली नहीं है। यह जानकर जैसा उचित समझो वैसा करो। तो यह था हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।